किसान आंदोलन तो बहाना है, योगी पर निशाना है। क्या यूपी में विपक्ष योगी को हराने के लिए टिकैत को मोहरा बना रही है? क्या राकेश टिकैत चुनाव से पहले विपक्ष की कठपुतली बन गए हैं? किसान आंदोलन क्या पर्दे के पीछे से सत्ता बदलने की रणनीति है? हम आपको आज एक ऐसी रिपोर्ट दिखाएंगे जो आपकी आंखें खोल देगी। पहली बात तो ये साफ करिए, ये राकेश टिकैत का आंदोलन है, किसानों का नहीं। अगर किसानों का होता तो साफ तौर पे देश भर के किसान शामिल होते। कुछ इक्का दुक्का और कुछ जिलों तक के किसान ही सिमट कर नहीं रह जाते। तो क्या यह किसी लंबी रणनीति का हिस्सा है जो आपको खुली आंखों से दिखाई नहीं देगा? ये सवाल किस लिए? क्या राकेश टिकैत वो करने की प्लानिंग में है जो यूपी का विपक्ष अकेले नहीं कर सकता? राकेश टिकैत क्या किसानों के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलकर सत्ता की धुरी तक पहुंचने की प्लानिंग करना चाहते हैं? वो कैसे? वो ऐसे कि राकेश टिकैत को लगता है कि शायद अब वो यूपी चुनाव 2022 की रणनीति तय करेंगे, विपक्ष का सहारा बनेंगे और विपक्ष को सत्ता तक पहुंचाने का हथियार बनेंगे। फिर किसानों का क्या होगा? राकेश टिकैत यूपी के विपक्ष के लिए उस चमकते हुए ध्रुव तारा की तरह हैं, जिसके सहारे और जिस रोशनी में विपक्ष अपनी किस्मत लिखना चाहता है। यानी विपक्ष टिकैत का इस्तेमाल करेगा। किसान आंदोलन जो बिल वापसी के लिए शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे सत्ता वापसी करने के प्रयोग में लग गया है। इसके पीछे कुछ तर्क समझने की कोशिश करते हैं। पहला तर्क ये है कि बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार के बाद विपक्ष और राकेश टिकैत का हौसला बढ़ा है। उन्हें लगता है कि यूपी में भी किसान सबसे बड़ा रोड़ा बनेगा और यूपी में अब योगी की सरकार नहीं आने दी जाएगी। दूसरा तर्क ये है कि विपक्ष को लगता है कि पश्चिम की सीटों पर राकेश के सहारे चुनाव जीत जाएंगे, सीएम बन जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, राकेश टिकैत खुद दो बार हार चुके हैं, जमानत जब्त हो चुकी है। ऐसे में ऐसे आदमी पे यूपी का विपक्ष अपना ट्रंप कार्ड खेलेगा, ये तो वक्त तय करेगा। किसान आंदोलन को पिछले 6 महीने से चलाया जा रहा है। आंदोलन ना तो खत्म हुआ, न ही सरकार उनकी बात मानने को तैयार है और न ही अगले कुछ महीनों में आंदोलन खत्म होने के आसार है। यानी अब यूपी में 6 महीने का वक्त चुनाव में भी बचा है और राकेश टिकैत किसान यात्रा करते, विपक्षियों के मंच पर बोलते या फिर योगी के खिलाफ बोलते आपको अलग अलग जिलों में दिखाई दे सकते हैं। यानी किसानों के कंधे पे किसानों का नेता एक ऐसा हथियार रख रहा है जिसको 2022 में तैयारियों के साथ चलाया जाएगा। इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ एक तरफा पत्रकार टिकैत को किसानों का नेता बताएंगे और यूपी में विपक्ष सरकार का विरोधी और तीसरी ओर सत्ता खोजने की तैयारी वाले अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी टिकैत को भगवान बताने से भी नहीं चुकेंगी। किसानों का वोट लेना इन नेताओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। शायद तभी योगी का रथ रुकेगा और योगी के रथ रोकने में सबसे पहला सिपाही विपक्षियों का राकेश टिकैत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।